23 और 24 फरवरी को गोरखपुर में होने वाले भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी के दृष्टिगत बैठक फर्टिलाइजर स्थित कार्यक्रम स्थल पर संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के प्रदेश महामंत्री गोरखपुर क्षेत्र के संगठन प्रभारी विधायक पंकज सिंह ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए पंकज सिंह ने कहा कि गोरखपुर से ही प्रधानमंत्री पूरे देश के किसानों को सौगात देंगे, जब किसानों के खाते में राशि की पहली किश्त जारी करेंगे। 23 तारीख को अधिवेशन का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह करेंगे और इस अवसर पर गोरखपुर समेत समूचा पूर्वांचल उनका स्वागत व इस्तकबाल इस बात के लिए करेगा कि उन्होंने एम्स, फर्टिलाइजर, एक्सप्रेसवे जैसी महत्वपूर्ण विकास की योजनाओं को पूर्वांचल में देकर यहां के लोगों का मान बढ़ाया है। श्री पंकज सिंह ने रैली स्थल पर आयोजन से जुड़े प्रमुख पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की तैयारियों की समीक्षा की, जिससे स्वागत और आवास, मंच, भोजन, सुरक्षा जैसे अनेक विभागों की तैयारी व उसमें खामियों को दूर करने के लिए अलग अलग बनाए गए टीमों से वार्ता की। बैठक में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र शुक्ल, क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री गोरखपुर क्षेत्र के संगठन प्रभारी विधायक पंकज सिंह ने कहा, बैठक लिए किसान मोर्चा का तैयारी, क्या निर्देश दिए, किस तरह के? माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने अपने दिशा निर्देश दिए हैं। कार्यकर्ताओं के साथ भी उन्होंने बातचीत की है, उनके साथ भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कहा है और बाकी आधिकारिक स्तर पर भी जो व्यवस्था बननी चाहिए सुचारू रूप से इस कार्यक्रम को चलाने के लिए, वह भी उन्होंने दिए हैं। आप भी बैठक लिए? मैं भी बैठा हूँ। स्वाभाविक रूप से हम लोग भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर साथ साथ में इस कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन सब चीज़ों को लेकर मैं भी चर्चा कर रहा हूँ।